तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? किंचे, मैरी मी, हम कल ही शादी कर लेते हैं। मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। मेरे पास एक बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज है, पहले कौन सी सुननी है? गुड न्यूज क्या है? मुझे अभी गुड न्यूज सुनने की सख्त जरूरत है। गुड न्यूज ये है कि आज से मैं अपना पूरा ध्यान इस केस पर फोकस कर सकती हूँ और मैं सिर्फ इसी केस पर काम करने वाली हूँ। क्या मतलब है इसका? तुमने रिजाइन कर दिया है क्या? सही कहा। तो फिर ये गुड न्यूज कैसे हुई? मुझे तो लगता है ये सबसे बुरी खबर है। और बैड न्यूज क्या है? बैड न्यूज ये है कि यिन ज़िकियांग को हमारे प्लान की भनक लग गई है। अब हमारे लिए सबूत जुटाना और भी मुश्किल हो जाएगा, और सबूतों के बिना सिर्फ आरोपों के आधार पर हम ये केस नहीं लड़ सकते, तो यहाँ असली प्रॉब्लम शुरू होती है। अब तुम्हें कंटिन्यू करना है या गिव अप करना है? अगर गिव अप करना है तो हम खाना खाकर निकलते हैं और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तुम लेबर डिस्प्यूट को कैरी करो और मैं नई जॉब ढूंढूंगी। और मुझे कंटिन्यू करना हो तो? तब तो तुम्हें बर्बाद होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। रास्ता बहुत कठिन है और इसमें कुछ भी हो सकता है। हमारी हार भी हो सकती है और जीत भी। अगर हम जीत गए तो यिन ज़िकियांग को उसके किए की सजा दिलवा सकते हैं, और फिर उसके जैसे इरादे वाले बाकियों को भी समझ में आ जाएगा कि उन्हें औरतों के साथ किस तरह से पेश आना है। तो करते हैं, करते हैं, करते हैं। ये हमारा ब्लू पेन है जिसका रेंट है 1800 यूएन, और ये इंडिविजुअल ऑफिस है जिसका रेंट है 2200 यूएन। मिस हु? मीटिंग रूम का कॉस्ट है 36 यूएन पर आवर, जिसमें आप वाईफाई, पानी और प्रिंटर्स यूज कर पाएंगे। मैं आपको बाकी के ऑफिसेज भी दिखाता हूँ। देखो हैन, मुझे सच में तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। हम लोग यिन ज़िकियांग के खिलाफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? याओया और मैंने कई जगहों पर जाकर कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई भी नहीं मिल रहा है जो मिस्टर यिन के खिलाफ गवाही दे सके। ऐसे में याओया की तरफ से गवाही देने वाला हमें कैसे मिलेगा? कोई भी नहीं मिला? नहीं, कोई भी नहीं मिल रहा है। तुम चिल्लाओ मत, चिल्लाने से हमें कोई विटनेस नहीं मिलने वाला है, समझी? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस केस का क्या होने वाला है। रुको, मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने का। क्या हालत बना ली है अपनी? यह है तुम्हारा डिनर। तुम्हें से क्या मतलब है? मैं सब देख रहा हूं, यह भी देख रहा हूं कि कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं जा रहा है। अगर तुम यही बोलने आए हो तो तुम जा सकते हो। तुम्हें अब तक एक भी विटनेस नहीं मिला है ना? मैं नहीं बता सकती। तुम अभी इस जॉब में बनी रह सकती हो। मैंने जिनसे बात कर ली है वो मिस टैंग से बात कर लेंगे। तुम चाहते हो कि मैं वापस आ जाऊं या ये चाहते हो कि याओयाओ का केस छोड़ दूं? मैं चाहता हूं कि तुम अपने काम से मतलब रखो, दूसरों से नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी गलत कर रही हूं। मेरे बारे में बहुत हुआ। तुमने वूफेई से ब्रेकअप कर लिया? मैं नहीं बता सकता, मुझे जानना भी नहीं है, पर ये मेरी तरफ से सलाह समझ लो। अच्छा, तुम कहीं उससे शादी करने के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? अगर तुम्हारा रिश्ता इतना ही नाजुक है तो तुम्हें एक दूसरे से बैठकर बात करनी चाहिए। अब तुम्हें थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए। तुम सेंसिबल हो क्या? और ऐसे खुजली क्यों कर रही हो? ये चेहरे पर क्या हुआ है? लाल हो गया है, देखो, पूरा लाल हो गया है। सच में देख लो। Thank you.
तुम्हें कुछ भी खाने से पहले चेक करना चाहिए कि उसके अंदर बीफ है या नहीं। मुझे थोड़ी ना पता था कि उस रोल में ऐसा कुछ है जिसकी मुझे एलर्जी है। अब तुम ऐसे हंसना बंद करो। मैं कहां हंस रहा हूं? नॉट बैड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये एक्सपायर नहीं हुई है। यंग हुआ ने मुझे इन सब का रिमाइंडर सेट करके दिया था। पानी कहाँ है? पता नहीं। तुम्हारा डिवोर्स हुआ है? मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाया तुमने? तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? किंचे, मैरी मी, हम कल ही शादी कर लेते हैं। मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। शादी कर लो मुझसे, शेंगेन हुई में वापस आ जाओ। मिस्टर जिन ने कहा है अगर तुम वापस आ गई तो तुम्हें प्रमोशन दे देंगे और तुम पार्टनर भी बन सकती हो। पर इस सब के लिए मुझे याव याव का केस छोड़ना पड़ेगा, है ना? केस की बातें तो होती रहेंगी, पहले हम शादी कर लेते हैं। ताऊ जुनहुई, तुम मेरी नजर में एक अच्छे इंसान हो। तुम बेशक एक अच्छे पति और पिता बन सकते हो, पर यह जरूरी नहीं कि इस दुनिया में हर किसी को शादी करनी चाहिए। मुझे ही देख लो, मेरा शादी पर से भरोसा उठ गया है, मेरा तो प्यार पर भी भरोसा नहीं। या तो ऐसा है कि तुम्हारा प्यार पर तो भरोसा है, पर शायद मैं वो इंसान नहीं हूँ जिससे तुम प्यार पाना चाहती हो। मुझे पता है लोग क्या कहते हैं, उनके लिए प्यार करना और शादी करना बहुत ही आम बात है, पर जहाँ से मैं देखती हूँ वो बस जिंदगी का एक नजरिया है जिससे मैं नहीं देखना चाहती। देखो, मैंने भी सोचा था कि मुझे एक अच्छे आदमी से शादी करके खुशी से अपनी जिंदगी बितानी चाहिए, फिर हमारा एक परिवार होगा, पर मैं उस जिंदगी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। मैं शायद उस जिंदगी के लिए बनी ही नहीं हूँ, और फिलहाल मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं है, इसलिए मैं अपने आप से या तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती। पर मुझसे पूछने के लिए थैंक यू। और रही याव याव के केस की बात, तो मैं वो नहीं छोड़ूंगी। वैसे तुम्हें उफे को छोड़ना नहीं चाहिए था, तुम दोनों को एक साथ ही होना चाहिए। मेरा शादी पर से भरोसा उठ गया है, मेरा तो प्यार पर भी भरोसा नहीं रहा। या तो ऐसा है कि तुम्हारा प्यार पर तो भरोसा है, पर शायद मैं वो इंसान नहीं हूँ जिससे तुम प्यार पाना चाहती हो। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो कैसे पता चलता है कि वो कभी खत्म नहीं होगा? दूसरों का नहीं पता, पर तुम्हारे साथ मुमकिन है। ये सब मैं पूरे दिल से कह रहा हूँ। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि शादी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। कहीं वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक जरिया तो नहीं जिससे तुम अपनी जिंदगी से दूर भाग सको। येन तुम्हारा पति बनना चाहता है जिस पर तुम हमेशा भरोसा रख सको, जो तुम्हारे भागने का जरिया ना हो, जिससे तुम्हें जिंदगी का कोई सबक ना सीखना पड़े या कोई परीक्षा ना देनी पड़े। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता।